इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया पहला टी ट्वेंटी मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन से भारत को हराया, वहीं पर दूसरा टी ट्वेंटी बारिश की वजह से हो गया रद्द। अब निगाहें टिकी है तीसरे टी ट्वेंटी मैच पर, तो आज हम बात करेंगे तीसरे टी ट्वेंटी मैच की प्लेइंग। हेलो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द। इस टी ट्वेंटी सीरीज को बराबर करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। इस तीसरे टी ट्वेंटी मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या चेंजेस हो सकते हैं भारतीय टीम में। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे हिटमैन रोहित शर्मा। पहले टी ट्वेंटी में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और दूसरे टी ट्वेंटी में मैच बुरा हो ही नहीं सका, तो ये शानदार बल्लेबाजी नहीं दिखा पाया तक। लेकिन वहीं पर शिखर धवन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जैसा कि इन्होंने पहले टी ट्वेंटी मैच में हर शतक जमा के दिखाया था। अकेले टीम को ले गए थे आगे तक, जहां तक मैच टक्कर में आ सकता था, शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने। इसके बाद विराट कोहली की बल्लेबाजी अभी उतनी खास नहीं रही थी पहले टी ट्वेंटी मुकाबले में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी टी ट्वेंटी मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाए और सीरीज को बराबर करे। वहीं पर लोकेश राहुल के पास भी आखिरी मौका होगा टी ट्वेंटी में अपने आप को साबित करने का, क्योंकि शानदार बल्लेबाज हैं टी ट्वेंटी के, बहुत तक जड़ चुके हैं, लेकिन अब एक और पारी की उम्मीद है इनसे। वहीं पर ऋषभ पंत का भी ये याद रहे, ऋषभ पंत ने भी अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेली है इस सीरीज में, उम्मीद करते हैं आखिरी मैच में अच्छी पारी खेलेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे, और इनकी विकेट कीपिंग में भी सुधार की जरूरत है। वहीं पर दिनेश कार्तिक ने पहले टी ट्वेंटी मैच में टीम को अंतिम क्षणों में शानदार बल्लेबाजी करके रोमांचक स्थिति में पहुंचाया था मैच को, उम्मीद करते हैं ऐसा ही प्रदर्शन आगे भी करेंगे। कुणाल पांड्या का दूसरे टी ट्वेंटी में गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन रहा और उम्मीद करते हैं बल्लेबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आने वाले टी ट्वेंटी मैच में और टीम इंडिया को सीरीज में बराबरी पर लाएंगे। कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव ने अब तक शानदार गेंदबाजी की है दोनों टी ट्वेंटी मुकाबलों में, और उम्मीद करते हैं आखिरी टी ट्वेंटी मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी करेंगे और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद आते हैं खलील अहमद ने भी शानदार विकेट चटकाई दूसरे टी ट्वेंटी मुकाबले में, जिससे इनका तीसरे टी ट्वेंटी मैच में खेलना तय है और यही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर जसप्रीत बुमराह लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं और आज भी शानदार गेंदबाजी की इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को बांध के रखा था और उम्मीद करते हैं आखिरी टी ट्वेंटी मुकाबले में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। और यहीं पर शुरुआती नई बॉल से विकेट चटकाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेट चटकाए और उम्मीद करते हैं आखिरी मैच में भी यही विकेट चटकाएंगे। चलिए अब हम आपको एक बार फिर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बता सकते हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, कुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, खलील अहमद, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार, ये होने वाले हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 तीसरे टी ट्वेंटी मुकाबले में। तो चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।